हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में जो कि हमारे खेत में है। मैं इसको आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से 150-2 किलोमीटर दूरी पर है जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो अपने आप में हुआ है, लेकिन जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है वो हम खुद बनाया है। एक हमारे खेत में कम से कम 3 से 4 हज़ार पेड़ हम लगाए हैं। हम उधर जाने वाले हैं आज। एक्चुअली वो जो एरिया है, खेत है हमारा, वो खेत में पहले सब्जी होता था, दूसरा चीज होता था, और ये जो खेत है वो खेत अभी भी है, लेकिन ये सब धान का खेत है। वो यहाँ से दूर दूर तक जो दिख रहा है वो हमारा खेत नहीं है, बस ये जो फील्ड दिख रहा है वो सिर्फ हमारा ही है। इधर से जो दिख रहा है इधर तक वो सिर्फ हमारा ही खेत है, और बाकी से दूसरों लोगों का है, लेकिन ये खेत में हमेशा धान होता है। ये है हमारा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, तो चलिए चलते हैं। जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है हमारा, वो हमारा गांव में एक खेत है, कम से कम 200 मीटर के आसपास होगा। तो ये 200 मीटर के एरिया में कम से कम 3000 से 4000 पेड़ हमारा लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये सब पेड़ अभी दो साल में इतना बड़ा हो गया है। डेढ़ साल में अभी इतना बड़ा हो गया है। बड़ा तो कम 15 से 20 फुट तक हो गया है, और मोटा तो इतना मोटा हुआ है, और वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे पानी पाके। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस आप पेड़ लगा दीजिए। वो ही प्लांटेशन में एक चीज़ फ़ायदा है कि आप उसी पेड़ लगा दो, वो अपने आप बढ़ता रहेगा, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि हम पेड़ क्यों लगाएं। पहले ओवरऑल फ़ायदा समझते हैं। देखिए, हम जो इंसान है, इंसान में सांस जब लेता है तो वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन जो पेड़ है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। मतलब अगर पेड़ नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, ये समझ लो। कोरोना के टाइम में हज़ारों लोगों की जान चली गई सिर्फ ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से, फिर भी लोग पेड़ की वैल्यू नहीं समझते हैं। जो पेड़ है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अगर पेड़ नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे एनवायरनमेंट में 0.003 है। अगर पेड़ नहीं होगा तो हमारा एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ जाती है ना, तो हमारा जो नॉर्थ पोल में जो बर्फ खंड है, जो ग्लेशियर है, वो पिघलना रहेगा। जो वो पिघल जाएगा तो हमारा समुंदर की जो वाटर है, समुंदर का पानी है, उसका लेवल भी बढ़ेगा। तो समुंदर के पानी जब बढ़ेगा तो समुंदर के आसपास वाला जो जितने भी घर है उस आसपास में, वो भी डूब जाएगा। तो बेसिकली वो हमारा इंसानों के ही नुकसान है, पहली बात। तो सिर्फ इंसान ही नहीं है, जो समुंदर के आसपास वाला, अगर हम समुंदर का लेयर बढ़ेगा तो उन सब जीव जंतु जो भी है, इंसान है, सबको नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ लगाने का दूसरी फायदा जो है, ये देख सकते हैं आप, जो पेड़ बनती है ये देख सकते हैं, ये चारों तरफ से इसका जो रूट है उसको पकड़ के रखा है। जब पकड़ के रखेगा तब भी बारिश होता है, कुछ भी बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो कुछ भी होती है ना, तो सॉयल एरोजन होने नहीं देगा। तो पेड़ की वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो कम होने में मदद होती है। पेड़ लगाने का और एक फ़ायदा जो है वो है, आपको साया देती है। मतलब गर्मी के मौसम में अगर आप देख सकते हैं कि खेत में आप गए हैं, दूर दूर तो कहीं पर पेड़ नहीं दिख रहे हैं, और आपका जो सूरज की किरणें जो है आपको डायरेक्ट आपके सर पर गिरेगा, तो आपको सनस्ट्रोक होने का चांसेस भी है। किसी भी एक पेड़ के नीचे आ जाएंगे तो आप रेस्ट ले सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदा है पेड़ लगाने का। आज के डेट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, बारिश ठीक टाइम में नहीं हो रहा है, जिसकी सोल्यूशन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली पेड़ लगाने से सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये तो हो गया दूसरों के फायदा, पर्सनल फायदा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आप बताना चाहूँगा। अगर आप फल देने वाला पेड़ लगाते हैं, जैसे कि आम की पेड़, ये देख सकते हैं लेमन की पेड़, या कुछ भी अगर फल देने वाला पेड़ लगाते हैं, तो आपको वो साल भर में, साल को साल आपको फल देता रहेगा। ये पहला फायदा हो गया आपको। और जो फायदा है, हमेशा जो पत्ते गिरते हैं पेड़ से, तो उसको लोग, गाँव के लोग ना, उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
जो पेड़ से जैसे लकड़ी निकलती है साइड से, छोटा छोटा लकड़ी पेड़ पर रहेगा, वो जो साइड से जो एक्स्ट्रा लकड़ी इसको जो काट देते हैं तो वो भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। हमारा नेचुरल फॉरेस्ट और हर पेड़ से कम 2 से 3 फुट के गैप में हर पेड़ लगाया गया है, और ये कम से कम 1.5 से 2 साल हो गया, अभी 1.5 से 2 साल में वो इतना इतना बड़ा सब हो गया है। और इसके बीच में मुझे चलने डर इसलिए लग रहा है कि जो कुछ कुछ है पेड़ जो खुजली होने वाला पेड़ बहुत सारे है, तो वो अगर लग गया ना पेड़ में तो खुजली होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा चीज़ का डर है जो ये जैसे जंगल टाइप का ऑलरेडी हो गया है, तो इसमें अगर मैं चलते चलते अगर बहुत सारे जहरीले सांप भी है हमारे खेत में मिलते हैं, हर दिन उनका सामना होता है मेरे। ये देखो सांप है, ये सांप है वाला सांप है। सलाम चलते चलते उसको ही ये मेरे लिए नई बात नहीं है कि सांप मेरे सामने आ जाता है, ये हमारा रोज का हमला है, वो हमेशा हमसे टकरा जाता है, लेकिन कभी काटते नहीं है क्योंकि हम भी उसको मारते नहीं है और अंदर नहीं जाएंगे, शाम भी होने वाला है। जो हमारा जंगल में जो बेसिकली पेड़ है, जो आकाशिया पेड़ है, ये है आकाशिया पेड़, और जो पेड़ है जो टिक ट्री है, जो सागवान पेड़ है, वही 2 टाइप का पेड़ ज़्यादा लगाया गया है। और बाकी जो छोटा छोटा साइड में देखें, ये है लेमन का पेड़, और ये है ग्वाभा जो अमरूद का पेड़ जो बोलते हैं ये है, और साइड में छोटा छोटा लगाया गया है वो केले का पेड़ है, बहुत कम लगाया गया है। जो ज़्यादा लगाया गया है जो बोल रहा हूँ 4 से 5 हज़ार जो पेड़ लगाया गया है, उसमें से 70 से 80% जो पेड़ लगाया गया है वही है आकाशिया और सागवान। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। तो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।